हेलो एवरीवन, आज हम लोग एमएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेटल पाई एसिड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मेटल पाई एसिड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मेटल पाई एसिड कॉम्प्लेक्स, पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई जो ये पाई एसिड लिगेंड हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, कौन से हो सकते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास है कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, PR3 है। ये जो लिगेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पाई एसिड लिगेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको ही हम लोग पाई एक्सेप्टर लिगेंट भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, देखो अब होता क्या है कि हम सभी को पता होता है कि जो मेटल होता है, ठीक है, मेटल को लिगेंट क्या करता है, लोन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, जिससे क्या बनाता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हमें छोटी क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, लिगेंड वही होता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पर जो पाई एसिड लिगेंड हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। ठीक है, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो मेटल क्या करेगा, मेटल एक बॉन्ड, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को लिगेंड को भी डोनेट कर सकता है। और वो लिगेंड जो हैं, अगर उन लिगेंडों के पास एक एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, जिसमें वो मेटल के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ले, तो उन्हीं लिगेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंट या पाई एक्सेप्टर लिगेंट कह सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। देखो सिंपल क्या होता है कि लिगेंट के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम सभी को पता है। ठीक है, लिगेंट क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये तो हम लोग छोटी क्लासों से पढ़ते हैं। पर ये जो पाई एसिड लिगेंट होते हैं वो ऐसे लिगेंट होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, और उनके पास एक रिक्त कक्षक होता है, इसको हम लोग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसमें वो लिगेंट के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे मेटल और लिगेंट के बीच में, मेटल और पाई एसिड लिगेंट के बीच में, उनको ही हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल पाई एसिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये टेट्रा कार्बोनिल निकिल बोल ये है। ठीक है, ये हमारे पास FeCO5, तो ये जो लिगेंट हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या कार्बोनिल भी कहते हैं इसको। ठीक है, कार्बोनिल है, तो जो ये लिगेंट हैं इन्हीं लिगेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंट बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल पाई एसिड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो पाई एसिड लिगेंट है बोथ फील्ड ऑर्बिटल, मैंने बोला था ना कि जो पाई एसिड लिगेंट होंगे उनके पास क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कि उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो किसी भी लिगेंड के पास होते हैं। ठीक है, किसी भी लिगेंड के पास क्या होते हैं, फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, मतलब लोन पेयर होते हैं, जिसे वो मेटल को डोनेट करता है। ठीक है, पर जो पाई एसिड लिगेंड है उनके पास क्या होता है, एक एम्प्टी, एक रिक्त पाई ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, जिसमें वो लिगेंड मेटल के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को भी ले सकता है। तो इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या बॉन्ड बनाएगा, भाई सिग्मा बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, जब मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे तो क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड्स बनेगा। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड भी बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, और पाई बॉन्ड भी बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेटल पाई एसिड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे इनमें हो गया मेटल कार्बोनिल, सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, उसके बाद मेटल नाइट्रोसिल्स भी डिस्कस करना है। ठीक है, मेटल कार्बोनिल क्या होंगे, सिंपल मेटल होगा और उनके साथ जो लिगेंट होंगे वो होंगे कार्बोनिल, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब लिगेंट होंगे तो उस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है मेटल कार्बोनिल्स आर द कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ मेटल एटम बॉन्डेड टू वन और मोर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है NiCO4, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल हो और जो लिगेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर निकिल है, ठीक है, ये लिगेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनिल कहते हैं। ठीक है, हमको ये तो पता चल गया कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं। ठीक है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, देखो हैवर क्लासिफाइड कार्बोनिल्स इनटू थ्री ग्रुप्स, नंबर वन मोनो न्यूक्लियर
यानी मोनोमेरिक कार्बोनिल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा पता है, इसमें जो मेटल होगा वो सिर्फ एक ही होगा। तो क्या लिखा है, दीज कार्बोनिल्स कंटेन वन मेटल एटम पर मॉलिक्यूल। तो ये पूरा मॉलिक्यूल है, उसमें मेटल कितना है, सिर्फ एक है। एक को क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। तब बोला इसको मोनो न्यूक्लियर, मोनोमेरिक भी कह सकते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में भी आप देख सकते हैं मेटल कितना है, सिर्फ एक है। इसमें भी क्या है, मेटल सिर्फ एक है। ठीक है, सच कार्बोनिल्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड ईथर। ठीक है, तो जो ये मोनो न्यूक्लियर यानी मोनोमेरिक कार्बोनिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन होता है, ईथर होता है, उसमें सॉल्यूबल होते हैं। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मोनो न्यूक्लियर क्या होते हैं, ऐसे कार्बोनिल जिनमें एक ही मेटल होगा। ठीक है, तो नंबर टू क्या है, पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ठीक है, पॉली का मतलब आपको पता है मोर देन टू। ठीक है, दीज कार्बोनिल्स कंटेन टू और मोर मेटल एटम पर मॉलिक्यूल। तो इस टाइप के जो कार्बोनिल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो मेटल होते हैं या तो दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मोनो न्यूक्लियर में क्या था, मेटल सिर्फ एक ही था एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या है, दो मेटल है, यहाँ पर क्या है, तीन मेटल। तो इस टाइप के तीन या चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं। इस टाइप के जो कार्बोनिल्स होते हैं जिनमें मेटल दो से ज़्यादा होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स कहते हैं। ठीक है, और जो पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते हैं ये भी क्या होता है, सॉल्वेंट जैसे जैसे मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्या थे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन ईथर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, याद रखना। ठीक है, और जो पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स है इनको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे हमने बोला मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। क्या लिया, मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। इसमें क्या होता है, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं होमो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है पता है, होमो का मतलब होता है सेम। देखो, जैसे मैंने बोला कि जो पॉली न्यूक्लियर कार्बोनिल्स होते हैं इसमें दो मेटल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर जो मेटल हैं दो या दो से ज़्यादा, अगर वो एक ही जैसे होंगे, मतलब समान होंगे, जैसे देखो यहाँ पर दो मेटल तो हैं पर दोनों के दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं, आयरन आयरन, यहाँ पर है रूनियम, यहाँ पर भी क्या है, दोनों के एक ही जैसे मेटल हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, होमो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। ठीक है, दीज कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मेटल एटम्स। ठीक है, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो मेटल, पर वो एक ही टाइप के होंगे। ठीक है, ऐसे ही हेट्रो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स में क्या होता है कि इसमें जो दो मेटल होंगे या दो से ज़्यादा मेटल होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो मेटल तो हैं कोबाल्ट और मैग्नीशियम, पर दोनों के दोनों क्या है, अलग हैं। ठीक है, तो इस हेट्रो का मतलब होता ही क्या है, डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, तो हेट्रो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स में दीज कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल एटम्स। तो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर होता है नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स, दीज कंटेन ओनली टर्मिनल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो देखो नॉन ब्रिज का मतलब क्या है कि ऐसे मेटल कार्बोनिल्स जिसमें लिगेंड क्या होंगे, ब्रिजिंग नहीं होंगे। ठीक है, और जो सबके सब लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनल में होंगे, मतलब किनारे में ही होंगे। जैसे यहाँ पर देखो निकिल है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसमें चार लिगेंड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड चार है ना, वो सबके सब किनारे पर ही लगे हुए। ठीक है, यहाँ पर देखो दो मेटल तो दो हैं पर इनमें जो लिगेंड हैं सबके सब क्या है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच यहाँ पर है, पाँच यहाँ पर, दस लिगेंड हैं पर दस के दस क्या है, किनारे पर यानी टर्मिनल पर हैं। ठीक है, ब्रिजिंग में क्या होता है कि मेटल और मेटल के बीच में कोई लिगेंड ब्रिज की तरह कार्य करता है, पुल की तरह कार्य करता है, इसलिए उसको ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। नंबर टू क्या है, ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स। तो देखो इस टाइप में क्या होता है, दीज कंटेन वन और मोर कार्बोनिल लिगेंड्स विच एक्ट एज ब्रिजिंग बिटवीन मेटल एंड ऑल्सो कंटेन टर्मिनल कार्बोनिल। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला कि इस टाइप के कार्बोनिल होते हैं जहाँ पर जो लिगेंड होते हैं टर्मिनल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, पर टर्मिनल के अलावा जो कार्बोनिल लिगेंड हैं जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं, वो क्या है, दो मेटल के बीच में, देखो ये कोबाल्ट है, ठीक है, दो ये मेटल हैं और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये लिगेंड है। ठीक है, तो दो मेटल के बीच में क्या करें, ब्रिज जैसा बना रहे हैं, बना रहे ना, इस कोबाल्ट और इस कोबाल्ट के बीच में ये वाला ब्रिज बना रहा है और ये वाला भी ब्रिज बना, तो इस टाइप के जो कार्बोनिल होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिजिंग मेटल कार्बोनिल बोलेंगे। ठीक है, और जो दो लिगेंड हैं इसको बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेटल कार्बोनिल्स का क्लासिफिकेशन।